मंजिल मिल जाएगी देरी से ही सही, भटके तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जी हाँ, ये बात सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जो लक्ष्य लेकर के घर से निकले हैं उसमें देरी हो सकती है, पर वो मिले ही ना ऐसा संभव नहीं हो सकता। डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो के मुख्य फोकस है वैष्णवी सिंह सेंगर, जो कि इंडियन नेवी के नेवी टेक एंट्री से रिकमेंड हुए हैं। आप जानते हैं कितना टफ कॉम्पिटिशन होता है, और उस टफ कॉम्पिटिशन से रिकमेंड होकर के आना किसी भी कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जिसको फेस करके आ रहा होता है। वैष्णवी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। डियर स्टूडेंट्स, आपके मन में बहुत सारी बातें होंगी कि हम भी डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम भी एसएसबी देने जाते हैं, क्या वहाँ पूछा जाता है, क्या होता है, कैसे होता है, वो सारे सवाल मैं वैष्णवी से पूछूंगा। और शायद इस वीडियो के अंत तक आपके सारे समस्याओं का समाधान हो चुका होगा, और उसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो आप उसको कॉमेंट सेक्शन में जरूर डालें, ताकि मैं वापस से आपके क्वेश्चन का जवाब हमारे रिकमेंडेड कैंडिडेट से लेकर के और उसका जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। वैष्णवी, एक बार फिर से शुभकामनाएं, और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की जर्नी। क्यों फौज में जाने का तुमने सोचा और कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई? सर, जब मैं अपना ग्रेजुएशन परस्यू कर रही थी उस टाइम पर मेरी मम्मी हमेशा से ये चाहती थी कि मैं कुछ अलग हटकर करूँ, क्योंकि मैं अपने गांव की अभी इस मुकाम पर सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की हूँ। तो मेरी मम्मी हमेशा से ये चाहती थी कि मैं अपने गांव की लड़कियों के लिए एक ऐसा इंसान बन सकूँ जिसको देखकर वो अपना एजुकेशन रोके नहीं। तो जब मैं इंदौर आई तो इंदौर में मुझे अपने कॉलेज के एक सर से फोर्स डिफेंस एकेडमी के बारे में पता चला था, और उन्होंने मुझसे कहा था कि आप जाकर लखन सर से कॉन्टैक्ट करिए, वो आपके लिए काफ़ी सारे वेज बता देंगे कि आप क्या क्या कर सकती हैं। मैं जब यहाँ पर आई तो मैंने हर तरफ सिर्फ एक ही चीज़ देखी, एंड दैट वाज डिफेंस सर्विसेज, और मैं इसी चीज़ की तरफ इतनी अट्रैक्ट हो गई थी कि मैंने सोचा था कि अब मैं सिर्फ डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करूँगी। तो देखिए, पेरेंट्स का जो सपना रहता है वो किस तरह से आपके करियर में बड़ा सपोर्ट कर सकता है। माँ का सोचना था कि बच्ची जो है कुछ ऐसा करे जो लोगों के लिए मिसाल बन जाए, और ये बड़ा मुश्किल होता है जब आप पेरेंट्स के सपने को जी रहे होते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका सपना कुछ और ही करने का हो, और जब दोनों के सपने ट्यून में चलने लगते हैं तो डेफिनेटली वो एक बड़ा बड़ा अचीवमेंट बन जाते हैं। वैष्णवी ने सब किया और वो आगे बढ़ गई। वैष्णवी, जब आप रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो क्या हुआ उसके दौरान, आप ही बताइए बच्चों को, कैसे प्रिपरेशन किया, एग्जाम कब निकला, कैसे निकला, और रिटर्न एग्जाम निकल गया तो फिर एसएसबी में क्या हुआ, प्लीज। बिल्कुल सर, सर मैंने अपना सीरियस का पहला अटेम्प्ट दिया था 2019 में, दैट वाज द सितंबर अटेम्प्ट, और मैंने फोर्स डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर ली थी उसके एक साल पहले, क्योंकि मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं थी, पर मैं ये चाहती थी कि मेरे पहले एग्जाम होने तक मैं थोड़ी प्रिपेयर रहूँ, मैच्योर रहूँ अपने पेपर के लिए। मैंने एक साल यहाँ पर पढ़ाई करी एंड आई वॉज एबल टू क्लियर माई सीरियस इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। लेटर ऑन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई एफकेट एज वेल, सो आई वॉज एबल टू क्लियर माई एफकेट आफ्टर दैट कॉन्सिक्वेंटली। आई हैव बीन फॉर एसएसबी आफ्टर दैट, बट आई वॉज नॉट एबल टू मेक इट। आई हैव बीन कॉन्फ्रेंस आउट, आई हैव बीन स्क्रीन आउट, बट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर रिटन इज वेरी ट्रू इन फोर्स डिफेंस अकेडमी, बिकॉज यहाँ पर पढ़ने के बाद हम लोग को ऐसा लगता था कि जैसे शायद पेपर यहीं बैठ के बना हो, जो पेपर हम लोग सीरियस का लिख रहे हैं वो शायद यहीं पर हम लोग के टीचर्स ने बनाया। हम लोग जहाँ लैक कर रहे थे वो था हम लोग का सेल्फ रिविजन और सेल्फ स्टडी, दिस वॉज आवर लैकिंग पॉइंट्स। तो ये बच्ची ने जैसे बताया, बड़ा टफ हो जाता है जब कॉन्फ्रेंस आउट आपकी जिंदगी में आता है, पर इन्होंने ये भी कहा कि जस्ट प्रिपरेशन, जब आपको एग्जाम देना है, कई बार तो ऐसा होता है बच्चा फॉर्म फिलअप करने के बाद एकेडमी ज्वाइन करता है, फॉर्म फिलअप कर लेता है फिर तय करता है कि मुझे कहीं जाना है। अगर आपको कुछ करना है तो आप टाइम से डिसाइड कीजिए, आप जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में रहें, सेकंड ईयर में रहें, जब भी आपको लगे ऐसा कि मुझे इस रास्ते पर जाना है तो आप उस रास्ते के लिए एक फ्रेमवर्क माइंड में बना लीजिए कि क्या करना है, और उसके लिए मेहनत तो लगती, देखिए क्योंकि सीडीएस का एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो अपने आप में इसका एक लेवल है, तो उस लेवल की जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपको टाइम लगता है। पर जैसा वैष्णवी ने कहा कि वन ईयर की प्रिपरेशन के दौरान शी वाज एबल टू क्लियर हर सीडीएस इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एंड अलॉन्ग विद सीडीएस शी क्लियर्ड एफकेट आल्सो, तो पहले पहली बार में ही सीडीएस और एफकेट क्लियर हो गया। 19 में सब चल रहा था, कॉन्फ्रेंस आउट भी हो गई बच्ची, और ये सब के बीच में आ गया कोरोना। यस सर, दो साल बर्बाद कर गए। तो वैष्णवी, हाउ यू कंसंट्रेट योर सेल्फ, आपके फोकस कैसे रहा, आपके गोल पर कैसे फोकस करा, पूरी दुनिया में बड़ी तबाही चल रही थी, अस्त व्यस्त हो रखी थी, आपने कैसे अपने आप को संभाला और कैसे करते रहे? यस सर, कोरोना के टाइम पर एज आई डिड नॉट हैड एनी एसएसबी इन माय हैंड, एक चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा से ये चल रही थी जब मैं लास्ट टाइम कॉन्फ्रेंस आउट हुई थी, आई वॉज आस्किंग क्वेश्चन टू माई सेल्फ कि अगर मेरे सामने ये सिचुएशन होती है तो मैं इसमें डील कैसे करती हूँ, या फिर मेरे साथ अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझसे कोई ये क्वेश्चन करेगा तो मैं इस पर्टिकुलर चीज़ का जवाब ऐसे कैसे दूँ कि ना तो ये मेरी पर्सनालिटी को छुपा दे, ना ये ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट दे मेरी पर्सनालिटी का, पर मैं जो सच है उसे भी कबूल लूँ। एंड इन दिस फॉर्म
एज आई एम रीडिंग बुक्स, मेरी हॉबी है बुक्स रीड करना, तो उनसे भी मुझे बहुत हेल्प मिली, एज वेल एज सर का गाइडेंस भी बहुत हेल्पफुल रहा कि आपको किस तरीके से अपने क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करना है. सो रही बात कंसंट्रेशन और फोकस की, तो फोकस जब आपका किसी एक एम पर होता है तो आप उसी के पीछे लगे रहते हैं. जब फोकस आपका एक एम पर है तो आप उसके पीछे लगे रहते हैं, निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलती है. सर पहले साल में सब कुछ कर लिया, CDS FCAT सब कुछ कर लिया, SSB की जब बारी आई तो कर्नल वर्मन साहब जो है कैसे हेल्पफुल रहा उनका गाइडेंस और किस तरह से आपने अपने आप को उनके फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग तैयार किया? क्योंकि SSB की प्रिपरेशन जब बच्चा स्टार्ट करता है, जब प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करता है उसके पहले तो कई सारी चीजें उसके माइंड में रहती है, पर जब आप सर के मार्गदर्शन में प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि सर बड़ी सिंपल चीजें बता रहे हैं और दुनिया भर उनको बड़ा ट्रिकी करके बताती है. तो आपने कैसे किया, कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया? श्योर सर. सर पहली चीज तो ये कि सर का गाइडेंस रियली इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी, क्योंकि एक ऐसे एनवायरनमेंट से आना जहाँ पर आपने सिर्फ अगर आर्मी में किसी को देखा है तो वो है सोल्जर्स, और आप इसमें फिर एक ऑफिसर लेवल पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो. इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी डिफेंस एनवायरनमेंट में रही हूँ या ऐसा रहूँ, तो मेरा डिफेंस नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो था. पर सर के गाइडेंस के अंडर में आने में, जब मैं सर के टच में आई, तो वहाँ पर फिर मुझे एक फ्रेमवर्क मिलने लगा कि मुझे किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है. सर एक चीज़ हमेशा से कहते थे कि दैट यू हैव टू बी योर सेल्फ एंड इम्प्रूव योर सेल्फ. सो उस चक्कर में कि हमें हमेशा इम्प्रूव करना है, जो मैं कल थी उससे बेहतर मुझे कल होना है, इस तरीके से मैं खुद को इम्प्रूव करती गई. तो ये सर है, सर हमेशा कहते हैं कि मेरी भी दो बेटियां हैं, सर ने आपको किस तरह, किस बेटी की तरह किस तरह से ग्रूम किया, क्या गलतियां थी जो तुम शुरुआत में कर रहे थे? हाँ. और फिर कैसे उनको इम्प्रूव किया सर ने, कर्नल वर्मन साहब ने कैसे उसको आगे खत्म ही करा दिया एकदम? यस सर. सर की एक बात मुझे बहुत याद आती है कि सर हमेशा ये कहते थे कि मैं तुम्हारी जगह जाकर काम नहीं कर सकता, मैं सिर्फ तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूँ कि तुम्हें किस रास्ते पर चलना है. एंड इट ऑल्सो हैपेंड, जो मैंने बाद में रियलाइज़ करा, कि सर ने पहले हम लोग का इंटरव्यू लिया और सर ने पहले ये चेक करा कि हम लोग के स्पॉन्टेनियस आंसर्स क्या हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन पर. जब हम लोगों ने हमारे आंसर्स दे दिए, उसके बाद सर ने हमें बताया कि तुम लोगों ने यहाँ गलतियाँ करी. अगर शायद सर हमें वो पहले आंसर्स बता देते तो हमारा इंटरव्यू उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वैसा तो बना लेते, पर जब हमारे पास रियल इंटरव्यू में एकदम ही क्वेश्चन फायर होते तो हमारा दिमाग उतना प्रिपेयर नहीं कर पाते. तो नेचुरल वे में प्रिपेयर करना सिखाया. जनरली बच्चे होते हैं, कई सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस बच्चों को मिल जाते हैं, वो क्वेश्चंस को वो रट्टा मारते रहते हैं. समटाइम्स तो बच्चे गूगल ये भी कर लेते हैं कि SSB इंटरव्यू क्वेश्चंस विद आंसर्स, तो वो शायद हर आदमी के सामने एक ही सवाल रखा जाए तो भी हर एक का आंसर अलग अलग होगा. आसमान में बादल जब साफ, कर्नल साहब की बात मुझे याद आती है कि अगर 10 लोगों को बोलते हैं कि आसमान में देखिए बादलों में क्या दिखाई दे रहा है, शायद सब लोगों को अलग अलग दिखाई देता है. क्यों? क्योंकि वो आपके देखने का नजरिया होता है. तो कर्नल सर ने इस तरह से, वैष्णवी जब आप गए थे GTO तो इतना कुछ खास था नहीं, 4 different, अभी हमने GTO बहुत अच्छा बना लिया है. हाँ. उस समय तो था नहीं. फिर कैसे क्या कर रहे थे GTO में, कैसे किया सर ने, कुछ बल्ली फट्टा आइडिया दिया होगा उससे कैसे आगे बढ़े? सर ने जब मुझे आइडियाज बताए थे कि आपको GTO में कैसे प्रिपेयर करना है, आई वॉज एबल टू इमेजिन कि सर क्या कह रहे हैं, क्योंकि पहला SSB तो मेरा ऐसा था कि मैंने वो कभी स्ट्रक्चर्स देखे नहीं है. जब मैंने बाद में सर की बातें सुनी तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा, अगर ये वाला पिलर ऐसा लगा हुआ था तो मैं अपना आइडिया यहाँ पर ऐसे वर्कआउट कर सकती हूँ. तो GTO इज ऑल अबाउट योर इमेजिनेशन, कुल मिलाकर के आपका इमेजिनेशन. yes, दिमाग लगाना, दिमाग, है, लगाना. दिमाग लगता कैसे? एग्जैक्टली सर. स्क्रीन आउट बहुत बच्चे होते हैं. सर ने सर क्या जादू किया था कि आप हर बार स्क्रीन इन हो जाते थे? सर एक चीज कहते हैं कि स्टोरी इमेज में नहीं होती, स्टोरी आपके दिमाग में होती है जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है. बस आपको उस इमेज को देखकर ये सोचना है कि मैं स्टोरी में कहाँ हूँ और फिर आपको वैसी अपनी स्टोरी बनानी है. वेरी ट्रू. और ये तो सारी बातें वही कह रही जो मैंने भी एक बार सर की क्लास अटेंड, मैं भी भाग्यशाली व्यक्ति रहा हूँ जिसने कर्नल सर का पूरा 15 days का कोर्स बैठ करके अटेंड किया. और यही सारी चीजें, और देखिए जब रियल गाइडेंस आप लेते हैं, जनरली बच्चों कई बार ऐसा होता है कि अगर आप 10-12 दिन का कोर्स कहीं से करके आए हैं और अगर उसको आपसे 15 दिन बाद भी पूछा जाए कि सर ने क्या बताया, कैसे बताया, अगर आपने ठीक से फॉलो नहीं किया तो आप नहीं बता पाओगे. yes, sir. पर ये एक लंबा टाइम होने के बावजूद वो सारी बातें याद रख रही है, तो ये इसलिए बता पा रही है क्योंकि इसका फोकस था अपने लक्ष्य को पाना. और अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो जो सपोर्टिव लोग वहां होते हैं, उस लक्ष्य के दौरान जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो लोगों की सारी बात सुन करके अगर आपने उनको आत्मसात किया है और उनको फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चे ने बात कही कि स्टोरी आपकी पिक्चर में नहीं, स्टोरी दिमाग में होती है. और वाकई सही है. वैष्णवी ने इस इंटरव्यू से पहले एक बात कही थी कि 3-4 लोग बैठे हुए थे और वो जस्ट कुछ तालाब में परेशानी. हाँ. सब कर रहे थे. और आपने आपकी रियल लाइफ में, आपकी कॉलेज लाइफ में जब कोई प्रोजेक्ट कर रखा था, डेफिनेटली जो उस पिक्चर को देखा तो याद आ गया, सीन याद आ गया. तो आप अपनी जो जिंदगी है इसके लिए थोड़ा सा सिंसियर रहिए, गंभीर रहिए. जो कुछ आपके लाइफ में हो रहा है उसको नोटिस कीजिए और याद भी रखिए कि आप कर क्या क्या रहे हो.
कई बार तो ये होता है कि हमने दिन भर में क्या किया हमको ही नहीं पता होता है। और दूसरा वैष्णवी ने एक और बात कही कि बुक्स पढ़ती है। तो देखिए सही बात है कि पूरी दुनिया हम घूम के नहीं देख सकते, पर कोई बुक पढ़ करके हम उस दुनिया को दिमाग में घूम सकते हैं। तो डेफिनेटली आप बुक्स को पढ़िए। वैष्णवी आगे जो बात करना चाह रहा हूँ मैं, SSB की हमने बहुत सारी बातें की, इसके बाद रिटन एग्जामिनेशन। जनरली बच्चा CDS के लिए जब जाता है तो उसमें एक पेपर पूरा इंग्लिश होता है और दूसरा पेपर जो होता है जनरल स्टडीज का, तो बड़ा वास्ट सिलेबस होता है। तो बच्चे कई बार तो होता है बड़े एंथुसियाज्म में पढ़ाई शुरू तो कर देता है, महीने भर बाद उसका मॉरल डाउन होने लगता है। तो फिर ऐसे में क्या सजेस्ट करोगे, तुमने क्या किया, हाउ यू हैंडल इट? सर आपकी एक बात याद आ रही है, आप हमेशा कहते थे कि अपने रिविजन को क्यूमुलेटिव रखो, पहले हफ्ते में जो पढ़ा है उसको याद रखो, जब आप नेक्स्ट हफ्ते में अपना रिविजन करोगे तो पहला हफ्ता भी रिवाइज करो ताकि अपना पिछला हफ्ता भूल ना जाओ। और इस क्यूमुलेटिव तरीके से जब आप एक महीना पूरा पढ़ोगे तो आपको अपना पूरा महीना याद रहेगा, और जब एंड में रिविजन की बारी आएगी एग्जाम के एक महीने पहले, तो उस टाइम पर आपको सिर्फ अपनी कॉपी के पन्ने पलट के देखना है, क्योंकि अब कॉपी आपके दिमाग में छप चुकी होगी। भाई देखिए इंटरव्यू पहले से प्री प्लान्ड नहीं, ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन बता दिए हुए उसको जवाब रटवा दिए हुए, पर ये बच्ची वाकई इसकी मेमोरी बहुत अच्छी है और इतना ही शार्पनेस कहीं ना कहीं आपके अंदर होना चाहिए कि किस टीचर ने कब क्या बोला, क्योंकि हर जगह आप जब भी क्लास में बैठे किसी भी अकेडमी का आप हिस्सा हो, जरूरी हमारी अकेडमी का आप हिस्सा, आप जहां भी बैठे हो आपके टीचर्स आपको जो भी बोल रहे हैं वो आपके काम की बात ही बोल रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आप वो काम की बात को कितना याद रख पा रहे हैं। बच्चे ने याद रखा है, क्यूमुलेटिव रिविजन कीजिए, सब बच्चों को बोलते हैं, कितने बच्चों ने याद रखा, जिसने याद रखा उसका फायदा हो गया। तो बड़ी बात तो यही बता रही कि कैसे करिए, तो वो महीने भर का पूरा प्लान करके चलिए। वैष्णवी ज्योग्राफी और हिस्ट्री बड़ा पार्ट होता है, yes, sir. उसको कैसे मैनेज किया? ज्योग्राफी कई सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, हाँ. कई सारे बच्चों ऐसा लगता है सर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बड़ी दिक्कत है, तो उसको कैसे करते हो? सर ज्योग्राफी में थोड़े फिजिक्स के कंसेप्ट तो हैं, क्योंकि ज्योग्राफी एक फिजिकल वर्ल्ड है, वहाँ पर जो भी फिनोमेना होगा वो फिजिक्स से रिलेटेड ही होगा। लेकिन यहाँ पर जब महेंद्र सर के अंडर में हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी थी या हिस्ट्री पढ़ी, तो दोनों ही टीचर्स की एक बात बहुत अच्छी लगी, तो वो कि वो उस पर्टिकुलर टॉपिक को उसके आसपास वाली चीज़ों से भी रिलेट होकर बताएंगे कि अगर आप रिवर के फॉर्मेशंस पढ़ रहे हो तो वो फिजिकल वर्ल्ड में कैसे कहाँ कहाँ पर बने हैं, उसके फिजिकल एग्जांपल्स क्या क्या हैं और उसमें कौन सा फिजिकल फॉर्मूला वर्क कर रहा है, ये सब पढ़ने पर सर एक इमेजिनेशन जब आपका शार्प हो जाता है तो आप काफ़ी चीज़ें याद रख पाते हो। तो ये सफलता जो है ना बस आपके इमेजिनेशन के आसपास घूमती है, और इमेजिनेशन आपका कितना स्ट्रांग है दैट मैटर्स। आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी क्लास में चल क्या रहा है, टीचर पढ़ा क्या रहे, उसको इमेजिन कीजिए। और सबसे बड़ी बात तो उस चीज को इमेजिनेशन कीजिए, उस पिक्चर को इमेजिनेशन में लाइए जो आप बनना चाहते हो। एग्जैक्टली जो आप बनना चाहते हो अगर वो आपके दिमाग में घूमता रहेगा डेफिनेटली कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। वैष्णवी के और भी वीडियोज आने वाले हैं सीरीज में, ये अपना SSB का पूरा एक्सपीरियंस बताएगी, SSB में क्या हुआ, ये फोर्ट डिफेंस अकेडमी के बारे में और गहराई से बातचीत करेगी। आप इस सीरीज को पूरा देखिए, और देखिए जरूरी नहीं है कि आप रोज रोज लोगों से मोटिवेशन ले, ये अकेली शख्सियत ही काफी है आपको मोटिवेट करने के लिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं इनके सामने इनकी तारीफ कर रहा हूँ, जो इन्होंने किया है, इनकी जो एडवर्स सिचुएशंस रही है, जो भी परेशानियां रही है, वो सारी परेशानियों के बावजूद ये बच्ची जो जंग जीत करके निकली, तो जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, डेफिनेटली किया जा सकता है। वैष्णवी लास्ट में एक लाइन जो आप स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहेंगे, बी योरसेल्फ एंड ट्रू टू योरसेल्फ, दैट्स इट। बी योरसेल्फ एंड ट्रू टू योरसेल्फ। जनरली लोग अपने आप के प्रति सच्चे नहीं रहते, तो कुछ नहीं करना है, आपको अपने आप के प्रति सच्चे रहना है, ईमानदार रहना है और मस्त मेहनत करते रहना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। थैंक यू। भोजन लेने गया